फ्रैक्शंस के टाइप पढ़ाए थे, आज हम थोड़े और टाइप्स पढ़ेंगे। और साथ ही साथ एक और टॉपिक है जो कि ऑपरेटर्स के अंदर दिया होता है, वो है एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट, वो भी मैं समझा दूंगा साथ ही साथ। वैसे इसका कोई मेरा आज तक लिंक समझ में नहीं आया, इसलिए मैंने पहले ही सब कुछ पढ़ा दिया, बाद में पढ़ाया। अमूमन ये बुक्स में है ना, ज्यादातर बुक्स में क्या होता है, पहले दिया होता है और उसके बाद ये ऑपरेटर्स पढ़ाया जाता है। मैंने पहले ऑपरेटर्स पढ़ा दिया है और आपका समझ में भी आ गया है, उसके बाद ही पढ़ा रहा हूँ। तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स में मैं आज आपको दो टाइप का पढ़ाऊंगा। लॉन्ग ट्यूब ऑपरेटर्स कह देते हैं, लॉन्ग ट्यूब ऑपरेटर्स, मतलब जो भी स्पेलिंग होती है देख लेना यार, ठीक है। लॉन्ग ट्यूब ऑपरेटर्स क्या होते हैं? लॉन्ग ट्यूब ऑपरेटर्स, इनके अंदर ना एक ट्यूब होती है, इनके अंदर जनरली क्या होता है, जैसे एक कंटेनर है, कंटेनर तो सब में होता है, इसके अलावा इनमें ट्यूब्स होती है लंबी लंबी वर्टिकल ट्यूब्स, ठीक है, जिनसे फ्लूड पास करता है और जिनसे स्टीम भी पास करती है। जिनसे फ्लूड भी पास करेगा, या तो फ्लूड ऊपर से नीचे आएगा या नीचे से ऊपर जाएगा। और अब तक हमने आगे पढ़ा था, पीछे पढ़ा था, आगे से पीछे, पीछे से आगे, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था, सिर्फ आगे, सिर्फ ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर, सिर्फ एक जगह पर। फिर आम पढ़ेंगे ऊपर नीचे, फ्लूड ऊपर भी मूव करेगा, नीचे भी मूव करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ट्यूब्स होती है लंबी लंबी, जो आपके वेसल होता है, मेन सिलेंडर होता है, उसके अंदर ट्यूब्स होती है कई सारी, एक नहीं कई सारी। मैं है ना इसको पढ़ाने के बाद, चलो मैं बात बताते हैं, बहुत सारी ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। और उन ट्यूब्स को क्या करता हूँ, उन ट्यूब्स के अंदर से लिक्विड भी फ्लो करता है, उन ट्यूब्स के अंदर से स्टीम भी, गर्म गर्म हवा भी फ्लो करती है, जिससे हमारा लिक्विड में, लिक्विड जो है ना, पहले तो लिक्विड रहता है, फिर धीरे धीरे लिक्विड और वेपर का मिक्सर बनता है, फिर धीरे धीरे लिक्विड और वेपर का अच्छा खासा मिक्सर बन जाता है, और फिर लिक्विड अलग जगह चला जाता है, वेपर अलग जगह चल जाती है, और लिक्विड की भाप बन जाती है, और वो कंसेंट्रेटेड लिक्विड में बदल जाता है। और भाप जो होती है ना, भाप साइक्लोन सेपरेटर में जाती है, वहां जाकर थोड़ी सी घूमती है, और उसमें से बहुत सारी भाप तो निकल जाती है, और कुछ थोड़ा सा जो लिक्विड होता है वो नीचे आता है, और वापस वो भी कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन में मिल जाता है। मैं भी लिख कर समझिए, दो टाइप के होते हैं, मतलब इसमें लिक्विड ऊपर और नीचे फ्लो करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, लिक्विड अपवर्ड और डाउनवर्ड फ्लो करता है, इसी के बेसिस पे इसके नाम है। पहला जो है वो है फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर, फॉलिंग फिल्म इवेपोरेटर, या फिर इसका नाम है, इसी को बोलते हैं डाउनवर्ड फ्लो इवेपोरेटर, डाउनवर्ड फ्लो, नाम से ही क्लियर है, डाउनवर्ड फ्लो इवेपोरेटर्स। इवेपोरेटर टॉपिक की खास बात ये है कि इसके नाम से ही इसके फंडे क्लियर हो जाते हैं, बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, पता नहीं लोगों को फिर नहीं सामने आता। तो जैसे मान लो आपके पास एक कंटेनर है ऐसा, मान लो मैं इसको ऐसा बना रहा हूँ, वैसे तो सर्कुलर होता है, चलो मैं सर्कुलर बना देता हूँ ऐसे, मतलब सिलेंड्रिकल, सॉरी सर्कुलर कह रहा, ऐसे सिलेंड्रिकल है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे पाइप्स होंगे ऐसे, बहुत सारे, जिनके अंदर से फ्लूड और हमारी स्टीम फ्लो करेगी, ठीक है। यहां से मेरा फ्लूड फ्लो कर रहा है, ठीक है, नीचे से फीड जा रही है कहीं, ठीक है, गई। अब क्या होगा, अच्छा ये तो अपर फ्लो वाला हो गया, मैं फॉलिंग फिल्म पढ़ रहा हूँ। फॉलिंग फिल्म में फ्लूड डाउनवर्ड फ्लो करेगा, डाउनवर्ड फ्लो नाम है ना, फ्लूड ऊपर से नीचे आएगा, आ रहा है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब होगा क्या, मैंने यहां से स्टीम पास कर दी, यहां से अच्छी खासी जगह से स्टीम दी, मैंने यहां से फ्लूड आ रहा था, मैंने गरम गरम हवा छोड़ दी, अभी स्टीम इसके अंदर से पास होगी, स्टीम तो भाप सी है ना, हीट पास करेगी अपनी गर्माहट, जब पास होगी तो यहाँ पे पहले तो लिक्विड और लिक्विड लिक्विड होगा, लेकिन जैसे जैसे नीचे जाएगा लिक्विड प्लस वेपर, लिक्विड प्लस वेपर, लिक्विड प्लस वेपर, मतलब यहाँ पानी भी होगा और भाप भी होगी, मतलब यहाँ पहले आपने सोल्यूशन भेजा ऊपर से, और फिर क्या हुआ, यहाँ से स्टीम भेज दी, स्टीम जो होगी वो इसको गर्म करेगी, और खुद ठंडी होके वेपर में, वेपर से लिक्विड में बदल के यहाँ से निकल जाएगी, यहाँ से कंडेंसेट होकर निकल गई, कंडेंसेट होकर खुद तो निकल गई, लेकिन इसके लिक्विड और वेपर दोनों बना गई, इसको गर्म कर गई, इसको बॉइल कर गई, जिससे इसमें लिक्विड बन गया, वेपर बन गया। अब क्या होगा, अब कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन जो लिक्विड लिक्विड होगा यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकल के यहाँ आ जाएगा, कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन यहाँ आ गया, जो गाढ़ा गाढ़ा सोल्यूशन था, और जो वेपर थे ना
वेपर यहाँ से आएंगे, जो वेपर इसमें बचे हैं ना वो यहाँ आएंगे, यहाँ आके वो जाएंगे साइक्लोन सेपरेटर में। किसमें जाएंगे? साइक्लोन सेपरेटर में, मतलब यहाँ आके वो घूमेंगे, घुर्रो 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 घुर्रो, और वेपर्स यहाँ से निकलेंगे। लेकिन वेपर में कुछ अमाउंट कभी भी वेपर लिक्विड से ही तो बने हैं, तो वेपर कुछ कुछ ठंडे हो जाएंगे और लिक्विड में कन्वर्ट होंगे थोड़े से, और जो लिक्विड में कन्वर्ट होंगे ना वो लिक्विड यहाँ आ जाएगा, मतलब यहाँ से भी कुछ कुछ कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन आएगा, और ये टोटल आपको आउटपुट दे देंगे ये दोनों चीजें मिलकर। मतलब इसमें होता क्या है, हम फीड या डायलूट सोल्यूशन सप्लाई करते हैं अपवर्ड से, डायलूट सोल्यूशन जो होता है वो डाउनवर्ड मोशन फॉलो करता है, ऊपर से नीचे आके गिरता है। ठीक है, फीड ऊपर से नीचे आके गिरेगी, स्टीम सप्लाई की जाएगी, स्टीम पाइप्स के अंदर से जो फ्लूड फ्लो कर रहा होगा उसको गर्म कर देगी, जिससे धीरे 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 वो फ्लूड जो होगा लिक्विड होगा वो लिक्विड और वेपर के मिक्सचर में बदल जाएगा, जिसमें से लिक्विड जो कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन है वो तो सीधा आ जाएगा कंसेंट्रेटेड आउटलेट में, या आउटलेट पे आ जाएगा बाहर जहाँ रास्ता है, और जो वेपर है वो इधर से आएगा, और वेपर आके यहाँ साइक्लोन सेपरेटर में घूमेगा, साइक्लोन सेपरेटर। ठीक है, मतलब घूमेगा जब वेपर, तो कुछ वेपर ठंडे हो जाएंगे और ठंडे होकर नीचे गिर जाएंगे, और कुछ वेपर चले जाएंगे ऊपर जाकर नीचे गिर जाएंगे, और जो स्टीम आपने गर्म गर्म दी थी ठंडी हो गई है, ये ठंडी हो गई यहाँ आकर पानी में बदल जाएगी, कंडेंसेट हो जाएगी, लिक्विड में बदल जाएगी। ये फॉलिंग फिल्म है, डाउनवर्ड फिल्म इससे जस्ट अपोजिट है, उसमें लिक्विड नीचे से ऊपर जाएगा। जस्ट मैं अभी बना देता हूँ, ये फॉलिंग फिल्म ऑपरेटर है। डाउनवर्ड फिल्म ऑपरेटर में क्या होगा, अगर वो सॉरी फॉलिंग फिल्म था, ये अपवर्ड फिल्म इवेपोरेटर या राइजिंग फिल्म बोलते हैं उसे, उसे क्या बोलते हैं, राइजिंग फिल्म इवेपोरेटर, उसका नाम मैं लिख देता हूँ, कई नाम है उसके, राइजिंग फिल्म इवेपोरेटर, या उसका नाम होगा अपवर्ड फ्लो इवेपोरेटर, अपवर्ड फ्लो इवेपोरेटर, या एक और नाम है उसका, ये क्या क्या लिख दिया मैंने, अपवर्ड फ्लो इवेपोरेटर और राइजिंग फिल्म इवेपोरेटर, और इसका नाम एक और क्या है, क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर। ठीक है, इसका एक और नाम क्या है, क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग मतलब क्या था, चढ़ना, क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर, क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर, बिल्कुल सिंपल है। ठीक है, अभी ये थोड़ा थोड़ा आपके सामने नहीं आया होगा, इसीलिए जो मैं बात पहले बोलने जा रहा था बोल रहा हूँ, मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दो लिंक दिए हैं, वो फॉलिंग फिल्म का भी और किसका है, राइजिंग फिल्म का भी। वो छोटी छोटी 1 मिनट की या 2-2 मिनट की वीडियो है, जिनमें एनिमेशन, जिसमें है ना आपको ग्राफिकली दिखाया गया, ग्राफिक्स के तौर पे दिखाया गया, देखोगे तो झट इन समझ में आ जाएगा एक्चुअल में होता गया। ठीक है, पहले मैंने सोचा कंसेप्ट पढ़ा देता हूँ आपको, आसानी आएगी देखने में, हो गया है। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे ये एक पूरा पूरा मेन सिलेंडर है, इसके अंदर बहुत सारे पाइप्स हैं, यहाँ तो मैं 2-3 ही बना पा रहा हूँ लेकिन बहुत सारे होते हैं, वैसे इसमें नीचे से ऊपर जा रहा है, राइज करेगा लिक्विड, इसका नाम अपवर्ड फ्लो है, तो लिक्विड अपवर्ड फ्लो करेगा। ठीक है, यहाँ बीच सिंक में से मैं इसको स्टीम दे दूंगा, ठीक है, ये स्टीम मैंने इसको दे दी, ये लिक्विड यहाँ पे गर्म होना शुरू होएगा, यहाँ तो सिर्फ ये लिक्विड है शुरुआत में, तो यहाँ आते आते ये लिक्विड और वेपर का मिक्सचर बन जाएगा, लिक्विड और वेपर का मिक्सचर, फिर यहाँ से इसको निकालेंगे। ठीक है, यहाँ से ये निकलेगा, यहाँ से दो रास्तों में जाएगा, एक तो यहाँ आ जाएगा कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन डायरेक्ट, एक चला जाएगा वो ऊपर, वेपर्स जो होंगे ना यहाँ चले जाएंगे, और वेपर्स यहाँ फिर से कहाँ आएंगे, साइक्लोन सेपरेटर में। ठीक है, ये आउटलेट है, ये एक बर्तन सा होगा, यहाँ पे फिर वो घूमेंगे वेपर्स, और घूम के कुछ तो ऊपर चले जाएंगे, जो ठंडे होंगे वो नीचे भी गिर जाएंगे, तो यहाँ आपको टोटल कंसेंट्रेटेड सोल्यूशन मिल जाएगा दोनों तरफ से, और ये जो स्टीम कंडेंस होगी ये यहाँ कहीं निकल जाएगी कंडेंस होके, स्टीम कंडेंस होगी ये यहाँ कंडेंस हो जाएगी, मतलब स्टीम जो ठंडी हो जाएगी ना वो वेपर से लिक्विड में यहाँ बदल के यहाँ गिर जाएगी। ये होता है किसका, राइजिंग फिल्म इवेपोरेटर का तरीका, मतलब कंसेप्ट। अब मैं पढ़ा देता हूँ आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट बहुत छोटा सा, बहुत प्यारा सा टॉपिक है, जो अक्सर बच्चे 12th क्लास में भी पढ़ते थे। ठीक है, जिन्होंने पढ़ाई की होगी, ये क्या कह दिया आपने सर जी, है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बीपीटी, बीपीटी मतलब बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन मतलब क्या होता है, बढ़ना, एलिवेशन मतलब होता है बढ़ना, ये कहना चाह रहा है। देखो 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 क्या उम्मीद है, चादर उड़े या खड़ा कोई, देखो मैं ये कह रहा हूँ बेटा,
आपको है ना पहला लेक्चर जरूर देखना है ऑपरेटर को, क्योंकि उसमें मैंने सॉल्यूशन सॉल्वेंट सब पढ़ा रखा है, तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और नहीं देख रखा है तो प्लीज देख लो, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दो। देखो ये कहना चाहता है एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट के, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से ज्यादा आता है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से ज्यादा आता है। अगर सॉल्यूशन का बॉइलिंग सॉल्यूशन का सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट 70 है इसका 100 होगा, इसका 80 है तो 100 कर लो, 120 कर लो, 90 कर लो, मतलब इससे ज्यादा आएगा, सॉल्वेंट से बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ज्यादा आता है। ठीक है, सबसे पहले उठता है बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर, मान लो ये 1 एटमोस्फेरिक की लाइन है, ये है वेपर प्रेशर, ये 1 एटीएम वेपर प्रेशर है और ये टेम्परेचर है। मान लो इस टेम्परेचर के ऊपर आपका एक लिक्विड है जो इस पॉइंट को टच कर देता है, 1 एटीएम प्रेशर को टच करता है, ये टेम्परेचर है 70 डिग्री सेल्सियस। तो वो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाता है। 70 डिग्री सेल्सियस पे इसका प्रेशर जो 1 एटीएम के इक्वल आ गया तो इस लिक्विड, ये लिक्विड जो भी है इसका बॉइलिंग पॉइंट 70 है। अगर मान लो यहाँ पे 90 डिग्री सेल्सियस पर इसके इक्वल आता, 90 डिग्री सेल्सियस पर किसी लिक्विड का बॉइलिंग, किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 एटीएम होता तो 90 डिग्री सेल्सियस उस लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आता है। ठीक है, तो ये ग्राफ बना लेना। ठीक है, द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड बिकम्स इक्वल टू 180, वो टेम्परेचर जिस पर एक लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आता है उसे बोलते हैं क्या, बॉइलिंग पॉइंट। ऐसे कुछ, ये जो टेम्परेचर है ये मान लो टी डिग्री सेल्सियस है, तो टी डिग्री सेल्सियस क्या है, पीपीटी टेम्परेचर। ठीक है, ये वेपर प्रेशर है बेटा और ये 1 एटीएम प्रेशर है, यहाँ पर कुछ होगा 0.5 या 0.7, ये 1 एटीएम है। टेम्परेचर बढ़ता गया, वेपर प्रेशर बढ़ता गया, टेम्परेचर बढ़ता गया, वेपर प्रेशर बढ़ता गया। ठीक है, यहाँ जो टेम्परेचर था वेपर प्रेशर इतना था, यहाँ जो टेम्परेचर था वेपर प्रेशर इतना था, धीरे धीरे बढ़ा और जब यहाँ पे आया तो वेपर प्रेशर टेम्परेचर जो है जब यहाँ पे आया तो वेपर प्रेशर 1 एटीएम हो गया। तो इस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस पर एक लिक्विड का वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाए। ठीक है, वेपर प्रेशर क्या होता है, द प्रेशर एग्जैक्ट वो प्रेशर जो वेपर एक कंटेनर की वॉल पर तब लगाए जब वो लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम में हो। ठीक है, जैसे मान लो ये एक कंटेनर है, कंटेनर ऐसा को बनाऊ अच्छा सा बनाता हूँ, गोल सा कंटेनर लेता हूँ। ठीक है, इसमें ये लिक्विड है, आपने इसको गर्म करा और इसके अल्टीमेटली वेपर बन गई। मैं पूरी कहानी नहीं बता रहा, मैं सिंपल बता रहा हूँ, ये वेपर है। ठीक है, और ये लिक्विड है, लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, वेपर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। रेट जिस स्पीड से वेपर लिक्विड में बदल रहा है उसी स्पीड से लिक्विड वेपर में बदल रहा है, यानी रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। कंडेंसेशन मतलब होता है वेपर का लिक्विड बदलना और इवेपोरेशन मतलब होता है लिक्विड का वेपर बदलना। ठीक है, व्हेन रेट ऑफ इवेपोरेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, जिस स्पीड से लिक्विड वेपर बदल रहा है उसी स्पीड से वेपर अगर लिक्विड बदले तो इक्विलिब्रियम आ जाता है। इस टाइम पर इक्विलिब्रियम कंडीशन पर जो वेपर प्रेशर लगाएंगे ना कंटेनर की वॉल पे, कंटेनर की वॉल से जाकर टकराएंगे डम 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 डम, उस प्रेशर को वेपर प्रेशर कहते हैं। समझ गए, अब जो कंसेप्ट है वेपर प्रेशर के बाद एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट को मैं थोड़ा सा समझाता हूँ और एक छोटा सा टॉपिक अभी खत्म कर देते हैं। देखो एक सॉल्वेंट है और एक है सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन से पहले मैं आपको वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट पढ़ा चुका हूँ, पढ़ के आना, लेकिन मैं यहाँ भी बता रहा हूँ। वोलेटाइल कंपोनेंट वो होते हैं जिनके वेपर्स बन सकते हैं, जिनको आप हीट करोगे तो वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे पानी, और नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट वो होते हैं जिनको आप हीट करोगे तो वो वेपर में कन्वर्ट होगा, जैसे चीनी को अगर आप हीट करो तो वेपर कन्वर्ट नहीं होता मेरे हिसाब से, तो चीनी एक नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है। लकड़ी को हीट करोगे तो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा तो वो एक नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है। आलू को हीट करोगे तो वो नहीं बदलेगा वेपर में, तो एक नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट है। ठीक है, आपका सॉल्वेंट जो है ना वो वोलेटाइल मान लो, हमेशा आप वोलेटाइल होगी मतलब उसके वेपर बनेंगे ही बनेंगे। आपने सोल्यूट ऐसा लिया जो वोलेटाइल नहीं है,
तो देखो आप मुझे बताओ, ये एक डब्बा था, इसमें सिर्फ सॉल्वेंट था, तो इसके वेपर बने, इसके वेपर ने प्रेशर लगाया, ठीक है, कुछ प्रेशर लगाया, मान लो 100 एटीएम, एग्जाम्पल 10 एटीएम मान लो। अब ये सोल्यूशन है, इस सॉल्वेंट में आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, तो इसके भी वेपर बनेंगे, ये प्रेशर लगाएंगे वेपर, तो इसका वेपर प्रेशर बताओ 10 एटीएम से ज्यादा आएगा या 10 एटीएम से कम आएगा या 10 एटीएम ही आएगा, ज्यादा आएगा है ना, ज्यादा आएगा ना, नहीं नहीं कम आएगा, नहीं यार इक्वली तो आएगा है ना। अब ढक्कन ध्यान से, क्या होगा जब आप इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे, जैसे आपने पानी लिया और पानी में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया, तो क्या होगा, घोल दिया अच्छी तरीके से, तो जो अब वो जो भी सॉल्यूट आपने डाला है ना, तो जो जो सरफेस पर, मानो सरफेस पर 100 सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थे पहले, जब इसमें सॉल्वेंट सॉल्यूट नहीं डाला था, सिर्फ यहाँ पर 100 सरफेस 100 सॉल्वेंट के पार्टिकल्स थे, वो 100 के 100 वेपर में बदलने वाले थे, मतलब वो 100 के 100 जो थे ना वो ऐसे थे जिनको अगर आप हीट करते तो वेपर में बदल सकते थे, लेकिन अब जब आपने इसमें सॉल्यूट घोल दिया है तो उसमें कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल्स भी आ गए, यहाँ पर 100 ही आ सकते थे सरफेस पर, तो जब वो सॉल्यूट का पार्टिकल है तो उन्होंने सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को नीचे धक्का दे दिया, मान लो 25 सॉल्यूट के पार्टिकल्स आ गए तो 25 सॉल्वेंट के पार्टिकल नीचे चले गए, तो अब सरफेस पर 100 पार्टिकल्स हैं लेकिन उनमें से 75 ही ऐसे हैं जो वेपर में बदलेंगे, 25 ऐसे हैं जो वेपर में नहीं बदलेंगे, तो यहाँ सिर्फ 25 मॉलिक्यूल्स की वजह से वेपर प्रेशर आएगा और वहां 100 की वजह से ही वेपर प्रेशर आ रहा है, तो यहाँ वेपर्स कम बढ़ेंगे, तो यहाँ वेपर कम बढ़ेंगे तो वो प्रेशर भी कम लगाएंगे तो इसका वेपर प्रेशर कम होगा, यानी सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम होता है, वेपर प्रेशर बोल रहा हूं, बॉइलिंग पॉइंट नहीं बोल रहा, वेपर प्रेशर, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेसर देन द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि कुछ सॉल्यूट के पार्टिकल्स जो कि नॉन वोलेटाइल होते हैं वो वोलेटाइल सॉल्वेंट पार्टिकल्स के कंपोनेंट्स, वोलेटाइल सॉल्वेंट पार्टिकल्स की जगह घेर लेते हैं सरफेस पर, द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेसर देन द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट बिकॉज सम एक्स्ट्रा नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट्स ऑक्यूपाई द स्पेस ऑफ द वोलेटाइल कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्वेंट, वोलेटाइल पार्टिकल्स ऑफ सॉल्वेंट ड्यू टू व्हिच द वेपर्स आर डिक्रीजेस एंड वेपर प्रेशर इज आल्सो डिक्रीजेस, ठीक है, तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम आता है सॉल्वेंट से, ठीक है, लेकिन वेपर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बीपीटी, जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा उसका बॉइलिंग पॉइंट कम, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा उसका वेपर प्रेशर कम, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम है सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो उल्टा आएगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आएगा सॉल्वेंट से, याद रखना वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट अपोजिट होते हैं, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम था ना तो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का ज्यादा आएगा सॉल्वेंट से, ठीक है, यही हमें प्रूव करना है और यही हमने आपको समझा दिया, ठीक है। अब देखो मैं आपको कंसेप्ट भी लिखवा देता हूँ कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, तो आपको ये बात समझ में आ गई कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से ज्यादा क्यों होता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यही तो था कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट से ज्यादा होगा, क्यों ज्यादा होगा, क्योंकि उसका वेपर प्रेशर कम होता है एंड वेपर प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। अब मैं ग्राफ बनाता हूं, उसके जरिए मैं आपको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला और उसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूं ढंग से। ये है 1 एटीएम, ये है वेपर प्रेशर और ये है टेम्परेचर, ठीक है, मैंने एक लाइन बनाई जो 1 एटीएम को क्रॉस कर रही है, मैंने कह दिया ये सॉल्वेंट की लाइन है, तो ये इस टेम्परेचर पर क्रॉस कर रही है, तो ये टी नॉट वी मान लिया, टी नॉट वी मतलब वेपर प्रेशर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब मुझे बताओ कि अगली जो लाइन खींचूंगा मैं, चाहे वो मैं वहां से खींचू वहां से खींचू, वो इस कर्व को इस पॉइंट से पीछे क्रॉस करेगी आगे, अगर पीछे क्रॉस करती है तो टेम्परेचर ज्यादा आएगा, मतलब सॉल्वेंट की लाइन तो बन गई, सॉल्यूशन की लाइन कैसे बनेगी, इसके आगे से बनेगी इसके पीछे से बनेगी, यार पीछे से ही तो बनेगी, क्यों, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तभी तो ज्यादा आ पाएगा, ये बॉइलिंग पॉइंट आगे बढ़ता जा रहा है ना, जीरो से 0 से 30 40 50 मान लिया 50 है तो आगे जाकर 70 आएगा, और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा आना चाहिए सॉल्वेंट से, और ये जो डिफरेंस है टीबी माइनस टी नॉट बी, यही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, मान लो ये 50 है और 70 है, 70 माइनस 50 20,
कितना बढ़ेगा, 16 रन का बॉलिंग पॉइंट था 50, 16 रन हो गए 70, तो बढ़ा कितना 20, वही एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट है। तो एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट क्या है, द डिफरेंस इन द बॉलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट, द डिफरेंस इन द बॉलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट इज नोन एज द एलिवेशन इन बॉलिंग पॉइंट। लिख दो यहां द डिफरेंस DIFF डिफरेंस इन द बॉइलिंग पॉइंट BPT ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट SOL एंड सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इन BPT। और ये पाया गया कि जो डेल्टा TB है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलैलिटी नहीं मोलैलिटी, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन आते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, यहाँ वो KP है। KP का नाम क्या है, KP का नाम है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी का नाम है इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इसका दूसरा नाम क्या है, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है, EBULL इबुलियो, LLIO SCOPIC इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, मोलैलिटी को वन ले लो, मोलैलिटी को वन लोगे तो KP और डेल्टा TP इक्वल हो जाएंगे, तो मोलर एलिवेशन कांस्टेंट इज मे बी इज इक्वल्स टू या मे बी डिफाइंड एज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज टेकन एज 1। यानी कि जब आप सॉल्यूशन की मोलैलिटी को 1 लेते हो तो जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आता है उसे बोलते हैं इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, ये मैंने बड़े अच्छे से समझाया है इवेपोरेटर्स के टाइप और एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया तो लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल पर आकर सब्सक्राइब करना और कमेंट करना, अच्छे अच्छे कोई बात नहीं समझ में आई हो तो कमेंट करके पूछ लेना, कोई सजेशन देना हो तो वो भी कमेंट बताना, किसी टॉपिक पे वीडियो बनवानी हो, नहीं बना रखी हो मैंने पहले वो देखना लिस्ट में जाके, नहीं बना रखी हो तो मुझे कमेंट करके कहना, मैं जरूर बनाऊंगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड बाय, अगले वीडियो में मिलते हैं।